कार भी बाहर ही खड़ी है, फिर केटी भी अंदर ही होंगे, लेकिन वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? काम करते हैं, उन्हें फोन करते हैं। अरे फोन भी नहीं उठा रहे हैं। रसना अभी तक वापस नहीं है, पता नहीं क्यों उस बेकार केटी के पीछे पगलाई हुई है। मयंक, गलतियां किससे नहीं होती है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उन्हें दूसरा मौका नहीं दे। और फिर घर में लगभग सभी ने केटी को माफ कर दिया, तुम क्यों अड़े हुए हो? देखो दीदी और जीजू के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ ना, लेकिन दीदी ने जीजू को माफ कर दिया। लेकिन मैं केटी को कभी माफ नहीं करूंगा, जीजू की बात अलग है, लेकिन केटी को जितने मौके दिए जाए वो रचना को सिर्फ हर्ट करेगा, एंड आई नो दैट। मयंक तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? इसमें आपकी गलती नहीं।